हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि रिलेटेड हैं किससे, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। उन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोज ना देखे हों तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एजुकेशन के रिगार्डिंग। जैसे कि हमारा आर्टिकल 21 दिया गया है, उसके अलावा आर्टिकल 24 है, 25 है, 26 है, 29, 29(2), 30, 32, 45, 46, 51, 350, 351, इस तरीके से और भी हमारे आर्टिकल्स गिवन हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लिमिटेड ही आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये मैं आपको टोटली 8 आर्टिकल्स इस वीडियो के अंदर कराऊंगी। सबसे पहले हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हर बच्चा जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज़ नाउ ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन द फैक्ट्रीज एंड हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 24 जो है वो मना करता है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते किसी भी फैक्ट्री या फिर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ऐसा कोई काम आप बच्चों से नहीं करा सकते हैं। तो आर्टिकल 24 यही कहता है, अगर आप जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से अगर काम कराएंगे, उस सिचुएशन के अंदर जो मालिक होगा फैक्ट्री का या फिर जिसने भी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी है, उनके ऊपर केस किया जाएगा, उनको जेल भी भेजा जा सकता है, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। वो जो भी आर्टिकल 24 के अंदर मेंशन किया गया है, उसके अनुसार ही जो है हर चीज़ का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 गारंटी देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं किसी भी धर्म को, यानी कि हम उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसको प्रचलित कर सकते हैं किसी भी धर्म को। लेकिन ये कोई एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि बस आप करोगे और आपका ही माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये जो है काम गलत कराया जा रहा है, तो उसको बीच में जो है गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करेगी और गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, के नाम पर लग सकती है, हेल्थ के नाम पर लग सकती है, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर लग सकती है, नैतिकता के ऊपर लग सकती है और स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग अगर आपके कोई गलत रिलीजन के अंदर कोई गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को भी है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26। इस आर्टिकल के अंदर राइट दिया गया है कि एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कोई भी रिलीजियस एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इस आर्टिकल के अंदर आपको एक तरीके की अधिकार दिया गया है कि आप जैसे कि कोई ट्रस्ट वगैरह चला सकते हैं या कोई एनजीओ वगैरह चला सकते हैं या फिर कोई भी धर्म से रिलेटेड मंदिर वगैरह बना सकते हैं, और कोई ट्रस्ट बनाया तो उसका पैसा आपको जो है कानूनी रूप से जिस तरीके से कानून ने बोला है उसी तरीके से आपको जो है उसका यूज़ करना होगा। ये सारी चीज़ें जो है आप अपने पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी रख सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यानी कि जिसको हम जो है ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन देता है इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ कौन है, यानी कि जिनकी जो संख्या है जैसे कि किसी भी एरिया में उसमें जो है 10% से कम संख्या है उनकी, तो उनको हम माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कहीं पर जो है हिंदू भी जो है माइनॉरिटी में है, कहीं पर जो है मुस्लिम माइनॉरिटी में है, कहीं पर जो है सिख माइनॉरिटी में है, तो इस तरीके से यानी कि जहां पर जो है माइनॉरिटी बहुत कम है उनको हम जो है प्रोटेक्शन देंगे। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है कि किसी भी सिटीजन को जो है एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं या फिर स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। किस बेसिस पर आप जो है मना नहीं कर सकते, किसी की भी रिलीजन के ऊपर, किसी की कास्ट के ऊपर, किसी की लैंग्वेज के ऊपर या फिर
कोई और भी रीज़न की वजह से आप जो है किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, यानी कि जाति धर्म वगैरह के आधार पर आप किसी को भी क्या है एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 29(2) कहता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 जो है राइट देता है माइनॉरिटीज़ को टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि उनको ये राइट देता है कि आप जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है चला सकते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और गवर्नमेंट जो है उनको मना नहीं कर सकती है उस चीज़ को खोलने से। उनको परमिशन गवर्नमेंट जो है दे सकती है, गवर्नमेंट इस तरीके से मना नहीं कर सकती कि आप माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसलिए आप इंस्टीट्यूशन वगैरह को स्थापित नहीं कर सकते। तो ये हमें अधिकार कौन दे रहा है? आर्टिकल 30 दे रहा है किनको? माइनॉरिटी ग्रुप्स को। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 32 क्या कह रहा है कि वेन एवर देर इज़ अ वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एनी पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर एन अप्रोप्रिएट रेमेडी, यानी कि अगर जो है आपका फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार जो है आपसे छीना जा रहा है तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी जो है रेमेडी उस समस्या का हल जो है पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है वो कहता है ये प्रोविज़न दे रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर के और एजुकेशन के, और जो भी बच्चा जो है जिसकी एज जो है 14 साल से कम है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने लेने का अधिकार है। हर स्टेट को जो है ये अधिकार उनका कंप्लीट करना होगा जब तक जो बच्चा है 14 ईयर्स की एज का नहीं होता है। इसके अलावा जो है हमारा आर्टिकल 46 है जो कि प्रमोट करता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द एससी एसटी एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 46 जो आर्टिकल है ये प्रमोट क्या कर रहा है? एजुकेशन के बारे में बात करता है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, उनकी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 51A क्या कहता है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, यानी कि ये पेरेंट्स के रिगार्डिंग है कि पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को ध्यान रखें कि उनके बच्चे को शिक्षा देना उनका एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उनको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 350A क्या कहता है? ये इंस्ट्रक्शन देता है इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, यानी कि ये कह रहा है कि आप जो है बच्चों को बातचीत करेंगे जब वो प्राइमरी स्टेज पे होंगे स्कूल के अंदर, तो उस टाइम पर जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी जो भी आप उनसे बातचीत करेंगे वो उनकी मदर टंग लैंग्वेज में ही करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 51 क्या कह रहा है? ये प्रमोट कर रहा है हिंदी लैंग्वेज को कि हिंदी लैंग्वेज जो है पूरे इंडिया के अंदर सिखाई जाए, बच्चों को अच्छी तरीके से उनको बोलना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए। ये हमारा आर्टिकल 351 बोलता है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 15(1)(3) जो है वो क्या बताता है कि एजुकेशन फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन को भी एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको भी अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल 15(1)(3) कहता है। ये हमारे टोटली आर्टिकल्स थे जो कि एजुकेशन से रिगार्डिंग थे। आप इनमें से जौन सा भी लिख कर आना चाहें आप लिख कर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही आर्टिकल लिख कर आने हैं। आप अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि प्रोविज़न लिखें तो 7-8 जो है आप लिख सकते हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर करके आएँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।